आटा बेसन, आटा है इसमें, बेसन है चने का, सारे से सन गया है आटा, ये आटा आज आपको पराठा रोटी सिखाते हैं। इसे कर लीजिए कि थोड़ा सा चौके में थोड़ा भूल जाता है, थोड़ा सा मसल लीजिए जरा सा भूजा हुआ, तो भाई ऐसे भी काट लेना, पेड़ा बना लेना। और आपको रोटी सिखाती है कैसे बनती है, अच्छे से इसको ऐसे सुनिया लीजिए, ऐसे ऐसे रोटी बराबर अच्छे से बनती है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसको देखिए कितनी सुंदर है, बेलन घुमाना भी जरूरी है, ऐसे ऐसे करना है मैंने, बेलन घुमाना जरूरी है। थोड़ा बर्तन लगाना है, ऐसे ऐसे रोटी ज़्यादा बर्तन आ जाता है, नचाना धीरे धीरे बराबर से, रोटी मोटी पतली नहीं रहेगी, एक जैसी रोटी रहेगी, उसे धीरे धीरे घुमाना है इसको, हमारे यहाँ सब फुलका खाते हैं, फुल की रोटी ऐसे कर लेना है, सुनिया लेना है, जैसे दिखाया था वैसे से करना है, इससे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे अंगूठे से ऐसे ऐसे करना है। फिर उसी तरह इसको रोटी में देखिए चिट्ठी पड़ रही है, चिट्ठी पड़ जाए रोटी तब उठाना जरूरी, फिर इसको ऐसे करके फिर बेलना है, ऐसे करना है धीरे धीरे, और रोटी रोल लेंगे, फिर इसको ऐसे करना है धीरे, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना है इसको, फिर ऐसे 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 ही करना है धीरे धीरे, हाथ से धीरे की चिट्ठी बढ़ गई, डाल दिए। अब रोटी ऐसे सेकना है कैसे, खड़ी करके सेकना है रोटी, ये ऐसे ऐसे सेकना, फिर इसको ऐसे खड़ी कर देना, दूसरी भी इसी कर दिया, चिट्ठी पढ़ रही है, चिट्ठी करना फिर इसको थोड़ा सा चटनी लगा लीजिए, रोटी मिलाई भी नहीं थी, मिर्ची भी ऐसे लगा लीजिए, देखिए इसमें चिट्ठी पड़ गया, मिर्ची सेकेंगे, ये देखिए फूल रही रोटी, रोटी फूलेगी तभी अच्छी बनेगी, ये घी मैंने सिखाया बनाना, जैसे घी हाथ का बना हुआ है, रोटी है इतनी मुलायम रोटी में, देखिए पराठा सिखाते, पराठा आपको सिखाते, बहुत लोग आटे मोहन देते हैं, हमने मोहन नहीं दिया है, ऐसे ही आटा साना, जैसे साधारण आटा सानते हैं ऐसे आटा हमने साना, इसको भी ऐसे कर लेंगे, इसको भी सुना सुनिया लेंगे, देखिए ऐसे इसको भी सुनाएंगे, पराठा वाला भी देखिए हो गया, देखिए सुंदर है, इसको भी ऐसे बेल लेंगे, ऐसे इसको बेल लेंगे पराठों को भी, बेल लिया पराठे को, बेल लिया, इसको भी घी लगा देंगे, देखिए ऐसे करके पराठा मुलायम रहेगा, तो ऐसे करके चारों तरफ से चम्मच के जरिए ऐसे इसको भी लगा दो, पराठा खाइए आप, ठीक है ऐसे बोल दीजिए, ऐसे सभी को पराठे को ऐसे बना लो, चाहे कुछ इतना भर के
घर का घी है, नुकसान नहीं करेगा। हल्के हाथ इसको बेलना है, ये देखिए ऐसे करके। पराठा बहुत लोग बेल नहीं पाते सही से, ऐसे पराठा को ऐसे बेलना ऐसे करके। ऐसे पराठे को बेलते रहना है चारों तरफ, जैसे रोटी को चलाते हैं ऐसे पराठे को भी चलाना है, चारों तरफ से चलाते रहना है तो पराठा सही बनेगा। अब हमारा ऐसे इसको रख देंगे पराठे को, देखिए इसमें चिक्की पड़ जाएगा, इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें ऊपर से रिफाइंड लगाएंगे, नीचे घी लगाएंगे, ऊपर से रिफाइंड लगाएंगे। पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। और चारों तरफ से घी ऐसे फैला दीजिए, ऐसे कर दीजिए इसको। चाहिए आप घी भी लगा सकते हैं, ऐसे कर दीजिए छोटे एरिए इसको अलग दीजिए। घंटे के जरिए हमारा अच्छे से खुशबू आ रही पराठे की, पराठा हमारा तैयार। लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज आपको हमने रोटी पराठा बनाना सिखाया है, ऐसे सभी को बना लेंगे, ऐसे करके सभी वैसे लगा लेंगे।